आज अपन डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के बारे में। यदि किसी सम्मिश्र ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर अत्यल्प होता है या उसमें कोई क्षीण संनादी डेट मीन्स वीक हार्मोनिक उपस्थित हों तो हम कोनों द्वारा उसमें भेद नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित ऐसी आवृत्तियाँ का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का उपयोग किया जाता है जो अन्य स्वरों को छोड़ते हुए अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर आवृत्तियों का अभिग्रहण करके स्वरों या ध्वनियों की उपस्थिति का पहचान का एक साधन बन जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक को प्रदर्शित किया गया है। यह कांच अथवा धातु का बना हुआ एक ऐसा खोखला गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब होता है जिसमें दो परस्पर अभिमुख ग्रीवियों डेट मीन्स नीक्स बनी होती हैं। दोनों ग्रीवाओं में से अपेक्षाकृत लंबी तथा चौड़ी ग्रीव सम्मिश्र ध्वनि तरंगों जिसका विश्लेषण करना हो उसका अभिग्रहण के लिए होती है तथा पतली एवं छोटी ग्रीवा अभिग्रही तरंगों की पहचान करने के लिए कान में लगाने के लिए होती है। जब किसी सम्मिश्र ध्वनि जिसका विश्लेषण करना हो को ए पर आपतित कराया जाता है तो उसके कारण नलिका या ग्रीवा बी के अंदर की वायु कंपन करने लगती है। आपातित ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में वायु का विस्थापन अंदर की ओर तथा विरलन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होगा। यदि नलिका की लंबाई L, काट क्षेत्र A और उसमें उपस्थित वायु का घनत्व रो माने तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान होगा m = a/ρ। यदि B पर आपतित सम्मिश्र ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु के का अंदर की ओर विस्थापन x होता है तथा बल्ब q के अंदर की वायु में आयतन में कमी dv = ax तथा वायु दाब में वृद्धि dp होगी। गैस के आयतन प्रत्यास्थता की परिभाषा से बल्ब q में उपस्थित वायु का प्रत्यास्थता e = प्रतिबल/आयतन विकृति dp/dv/v जहां v बल्ब का आयतन है। यह अपन कह सकते हैं कि dp = -e(dv/d)-e(ax/v). बल्ब Q में दाब की इस वृद्धि के कारण नलिका में उपस्थित m द्रव्यमान की वायु पिस्टन एयर पिस्टन पर एक प्रतिनयन बल लगेगा जिसका मान होगा f = dp (a)-eax/b (a)-ea²/v(x). अतः वायु पिस्टन की गति का समीकरण होगा m(d2x/dt²)-f (-ea²/v(x) (let it = kx). तो जहां k = ea²/v विच इज बल फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक जिसको अपन कहते हैं, तो अपने पास समीकरण क्या बनेगी, m(d2x/dt²)-kx = 0 या d2x/dt²(k/m)(x = 0 या d2x/dt²(ω02x)-0 जहां ω02(k/m). समीकरण से सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। इसे ज्ञात होता है कि वायु पिस्टन सरल आवर्त गति करता है तथा इसका आवर्तकाल होता है (T = 2π/ω0)-(2π)√m/k = 2π√mE²/v)(that will = 2π√mV/e²) तथा आवृत्ति होगी (n = 1/2π√kA/m)(1/2π√eA²/mV) जहाँ m = a/ρ। अतः आवर्तकाल T = 2π into a
एल रो वी अपॉन ई ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट एल रो वी अपॉन ई ए तथा आवृत्ति इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट ई ए अपॉन एल रो वी। वायु में ध्वनि का वेग होता है सी इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो तथा ध्वनि के वेग के पदों में हेल्महोल्ट्ज अनुनादक का होगा आवर्तकाल इज इक्वल टू कैपिटल टी 2/c इंटू अंडर रूट एल अपॉन वी ए तथा आवृत्ति एन इज इक्वल टू सी अपॉन 2 pi इंटू अंडर रूट ए अपॉन एल वी। उपरोक्त समीकरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ए एल तथा वी मानों के लिए भिन्न भिन्न आवृत्ति के हेल्महोल्ट्ज अनुवादक बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अनुवादक को एक निश्चित लाक्षणिक आवृत्ति होगी तथा यह आपतित सम्मिश्र ध्वनि से इसी आवृत्ति पर ही अनुनादित होगा। इस प्रकार से आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण तथा उसकी अपेक्षित तीव्रताओं का अनुमान कई हेल्महोल्ट्ज अनुनादक उपयोग करके किया जा सकता है। दैट्स इट।